हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नॉन स्टिकी भिंडी की सब्ज़ी। ये जो हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे वो स्टिक नहीं होने वाली है। जनरली भिंडी की सब्ज़ी लोग बनाते हैं तो वो चिपक जाती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच भर के ऑयल ऐड कर दिया है एक पैन में। ऑयल को हम थोड़ा सा हीट होने देंगे। हीट होने के बाद यहाँ पे कटी हुई भिंडी है उसको हम ऐड कर देंगे। भिंडी को हमने पहले से ही लंबे और पतले पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे सर्कल में भी कट कर सकते हो। अब 1/2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और थोड़ा सा लेमन का जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से हमारी जो भिंडी है वो स्टिकी नहीं होगी, तो ये ट्रिक आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और फिर अच्छे से इसको मिला लेना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको मिलाना है। तो आप देख सकते हो इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। और अभी हम उसको एक बर्तन से ढक देंगे और उसके ऊपर हम पानी ऐड कर देंगे ताकि जो भिंडी है वो स्टिक ना हो जाए। थोड़ी देर बाद हम उसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो ये भिंडी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। आप उसको प्रेस करके चेक कर सकते हो। और फिर हम उसको अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे। हल्के हाथों से ही हमें भिंडी को मिलाना है। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि जो भिंडी है वो बिल्कुल स्टिक नहीं हुई है। फिर से हम उसको क्लोज़ कर देंगे और फिर से हम उसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम उसको फिर से चेक करेंगे। इसी तरह से हमें उसको बार बार चेक करते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरह से हमें उसको चलाते जाना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और पक जाती है। यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखनी है। फिर से मैंने उसको ढक दिया है और फिर से मैं उसको चेक कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो भिंडी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। आपको और ज़्यादा इसको क्रंची बनाना है तो और ज़्यादा देर तक आप उसको पका सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रेस करके उसको चेक कर लिया है। भिंडी है वो अच्छे से बन चुकी है। तो भिंडी अच्छे से हमारी बन चुकी है। तो लास्ट में हम उसमें 1 बड़ी चम्मच भर के रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे और फिर से उसको ढक देंगे, गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम ये जो मसाला है वो मिक्स कर देंगे। मसाला आप देख सकते हो कलर उसका चेंज हो चुका है, तभी हमें उसको मिक्स करना है। थोड़ी देर तक हम उसको ऐसे ही रखेंगे, बाद में ही मिक्स करेंगे तो इसका जो कलर है वो काला नहीं होगा। और अभी हम उसको सर्व कर देते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी छोटी ये भिंडी हमारी रेडी है। एक एक दाना अलग अलग है इसका। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और ऐसी और भी कई सारी रेसिपीज हमारे चैनल पर हैं तो आप चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।